बीते साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और इन प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। पंजाब सरकार के मुताबिक आंदोलन के दौरान अब तक 53 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 20 की जान पंजाब में और 33 लोगों की जान दिल्ली की सीमाओं पर गई है। बता दें कि किसान कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कानून उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर देंगे, जबकि सरकार इन्हें सुधार बता रही है। वहीं जिन कारणों से किसानों की जान गई है उनमें सड़क दुर्घटना से लेकर ठंड तक जैसे कारण शामिल हैं। वहीं कुछ लोगों ने खुदकुशी कर ली है। इन मौतों के बावजूद किसानों का हौसला कायम है और वो जान गंवाने वालों के लिए बलिदान, शहादत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए की गई एक रैली में किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा ने घोषित किया, हम वचन लेते हैं कि इन बलिदानों को बेकार नहीं जाने देंगे और आखिरी जीत तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे। वहीं इस मुद्दे पर किसान नेता हरिंदर कौर बिंदु ने बीबीसी से कहा कि हम हर दिन औसतन एक किसान खो रहे हैं, इससे हम दुखी हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारा मनोबल कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि हर मौतों के साथ हमारा हौसला और मजबूत हो रहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो किसानों की मौतों से दुखी हैं जो अपने अस्तित्व की लड़ाई में सर्दियों में ठिठुरने के लिए मजबूर हैं और केंद्र की बेरुखी भी झेल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, अभी तक हमारे पंजाब में 20 किसानों की जान गई है और अन्य 33 ने दिल्ली की सीमाओं पर अपनी जान गंवाई है।